और मेरे वीडियो क्लास तक देखा करें आप, और शेयर कमेंट लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कैसा बना हुआ है ये चोंगा, बारिश का मौसम है और हफ्ता मुहर्रम भी है, आप इंजॉय करिए, बनाइए, खाइए। आप जिनको भी मीठा पसंद है ज़्यादा, वो ज़रूर इसको बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, इंशाल्लाह आप लोग भी ठीक होंगी। तो आज मैं बनाने वाली हूँ मुहर्रम की स्पेशल जो चोंगे बनते हैं ना, वो बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पे हमने सारे सामान जो लिए हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ, किन किन चीज़ों की ज़रूरत है हमें। तो यहाँ पे हमने लिया है, देखिए, कद्दूकस किया हुआ नारियल है आधा कप, एक टेबल स्पून हमने लिया है ये किशमिश, दो टेबल स्पून हमने लिया बादाम, और एक टेबल स्पून हमने लिया है पिस्ते, और दो टेबल स्पून हमने लिया है ये देखिए तिल है, सफ़ेद वाली तिल है, हमने इसको रोस्ट कर लिया है। और यहाँ पे है घी, ये घी आटे में जाएगा, और एक कप हमने लिया है शक्कर, और दो कप है मैदा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैदे को मैं छान लेती हूँ, छान के लेना है ताकि कोई चीज़ हो तो निकल जाए, ठीक है। और इसी के साथ मैं थोड़ा सा नमक डालूंगी, बिल्कुल थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं डालना है आपको। पहले मैं इसको छान लेती हूँ। यहाँ पे देखिए हमने मैदा को छान लिया है, मैदा को मैं पानी से गूंदूंगी, आप चाहे तो दूध से भी गूंद सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादा दिन नहीं चलता है। यहाँ पे डालूंगी दो टेबल स्पून हम घी, आप यहाँ घी की जगह रिफाइंड ऑयल भी डाल सकती हैं, और नहीं है तो भी घी डालिए, घी नहीं है तो रिफाइंड ऑयल डाल सकती है आराम से, ओके। तो चलिए मैं इनको अच्छे से मिला लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमने घी और नमक वगैरह अच्छे से मिला लिया, आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए आप ये कैसे मुट्ठी बन जा रहा है, तो समझ लो ये आपका परफेक्ट है। तो चलिए अब इसको गूंद लेती हूँ, बिल्कुल हम जैसे पराठा काटा गूंदते हैं बिल्कुल वैसे ही गूंदना है, और गूंद के फिर बताती हूँ मैं आपको किस तरह से इसको बनाना है। तो यहाँ पर आप देख सकती हैं आटा गूंद कर हो गया, मैं इसको ढक करके एक साइड में रख दूँगी 10 से 15 मिनट के, जब तक मैं चाशनी बना लेती हूँ। तो यहाँ पे हमने एक कप शक्कर जो लिया था वो ले लिया, इसमें 4 इलायची डाल दी, एक कप पानी डाल देंगे, बस इसका चाशनी बना लेंगे। तो यहाँ पे मेरी चाशनी जब तक बन रही है, तो यहाँ पे मैं सिलरी बना लेती हूँ जो पराठों वगैरह में लगाना है हमको। तो यहाँ पे हमने 2 चम्मच इसी से भर भर के हमने घी लिया है, और इसी से 2 चम्मच मैदा, अब इसको दोनों चीज़ को अच्छे से मिला लेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमारी सिलरी भी तैयार हो चुकी है, मैंने अच्छे से इसको मिला लिया है, और मेरी चाशनी भी बनकर रेडी हो। तो ये देख सकती हैं आप मेरी चाशनी हो गई है, जिससे मैं जलेबी और गुलाब जामुन की चाशनी रखते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही चिपचिपी सी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें, ये बस ये इतना ही रखना है हमको चाशनी इसकी। तो चलिए गैस को कर देती हूँ बंद, तब मैं इसकी लोइया बना लेती हूँ। इस तरह से हमने कर लिया है, बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गया है, तो ये लोई बना के फिर आपसे मिलती है। तो यहाँ पर देखिए हमारी लोई बन चुकी है, तो अब मैंने इस साइज के बनाया, आप देख सकते हैं जैसे चपाती की रोटी रोटी का होता है ना लोइया, वैसे ही। तो यहाँ पे हम इसी तरह से 5 रोटियों को ऐसे ही बेल देंगे, और 5 रोटी को बेल के एक साइड में रख देती हूँ मैं, देख सकती हैं ये देखिए यहाँ पे हमने एक प्लेट लिया है, इसमें डाल दूंगी, और इसी तरह से हम 5 रोटी बेल लेती हूँ फिर आपको। तो यहाँ पे देखिए मेरी 5 रोटी बेल चुकी है, तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, तो अब यहाँ पे मैं जो सिलरी बनाई हूँ वो इस पर अच्छे से पूरे में लगाऊंगी, आप देख सकते हैं। तो 5ों में मैं लगाऊंगी, पहले एक पे लगा के फिर पूरे पे इस पर दूसरा डालूंगी, इसी तरह से एक एक करके आपको दिखाती हूँ। तो ये आप देख सकते हैं मैं पूरी पे इस पर लगा दी है, अब दूसरा भी इस पर डालूंगी, ये देखिए दूसरी रोटी इस पर डालूंगी। मेरे हाथ में मोबाइल है और एक हाथ से कर रही हूँ। आप इसको चोंगे को आप बारिश में भी बना के खाइए, ऐसा नहीं कि मुहर्रम में ही बनता है, आप जब दिल करे आपको मीठा कुछ खाने के बना लीजिए खाइए। तो चलिए मैं इसको अच्छे से बिछा देती हूँ, मैंने अच्छे से नहीं बिछा पाई हूँ। तो ये भी आखिरी में भी हमको लगाना है, ठीक है, अच्छे से लगाना है, जैसे हमने सारे में लगाए हैं ना 5ों रोटियों में हमको लगाना है। ये देखिए इस तरह से अच्छे से लगाएंगे, फिर इसका एक रोल बनाती हूँ, रोल बना के फिर आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिए हमने इसका रोल बना लिया, इसे लपेट लिया है, और अपने हिसाब से पतला मोटा आप काट सकते हैं। तो चलिए मैं इसको काट भी लेती हूँ और आपको दिखाती भी हूँ। देखिए हम इतना काट रही हूँ, इतने मोटे मोटे आपको दिख रहा है ना। तो चलिए मैं मोबाइल रखती हूँ साइड में, आप देखिए मैंने इसको काट लिया है सारे। तो अब क्या करना है, ये वाले जो है साइड का है आपको उठाना है, उठा के नीचे लगाना है। तो चलिए वो मैं आपको दिखा देती हूँ उठा के लगाने के लिए। ये देखिए इसको उठाइए, इसको खींच के यहाँ पे लाइए, लगाइए, ये देखिए इसको खींचा हमने, इसको उठा के यहाँ पे लगा दिए, और इसको इससे दबा देने का ताकि ये खुले ना, इसी तरह से सारे को हमने करना है, नहीं तो फिर खुल जाएगा। चलिए देखिए अब इसको मैं हल्के हाथ से इससे तो दबा दूँगी, और हल्के हाथ से ही बेलना है आपको, ज़्यादा पतला भी नहीं करना है, ज़्यादा मोटा नहीं। वो मैं आपको बेल के दिखाती हूँ, देख रहे हैं ना, ये हमने इसको बेल लिया है, बिल्कुल इतना पतला है, थोड़ा सा ब्लर आ रहा है मोबाइल में,
ये देखें आप थिकनेस देख लीजिए, इतनी मोटी हमने रखा है। आप अपने हिसाब से पतली मोटी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा मोटी भी नहीं करिएगा, नहीं तो अंदर कच्ची रह जाएगी। और इतनी पतली करेंगे तो आपके परफेक्ट बनेगी चोंगा। तो ये चोंगा एक तैयार हो गया, मैं इसको सारी बेल लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमारी जो है चोंगे बेल कर हो गए हैं। यहाँ पे हमने कुछ बड़ी बनाए हैं, कुछ बिल्कुल छोटी सी भी बनाई हुई है। देखिए आप इस तरह से छोटी छोटी भी बना सकती हैं। तो चलिए इनको फ्राई करती हूँ मैं। तो यहाँ पे तेल हमने रख दिया, तेल हो गया है गर्म। तेल ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे होना चाहिए तेल गर्म। जब हम इसको डालें तो ये बिल्कुल हल्का से इस तरह से बबल आना चाहिए। तो इसी तरह मैं आपको दिखाती हूँ, देखो अच्छे से ना, ज़्यादा तेल नहीं गर्म है, नहीं तो वो जल जाएगा, अंदर से कच्ची रह जाएगी पूड़ियाँ आपकी। तो एक साइड में हो गया है, अब मैं इसको पलट देती हूँ। ये देखिए देख रही हैं कितना अच्छा सा लेयर बना हुआ है, और पूरा एक एक लेयर दिख रहा है बिल्कुल। अब ध्यान से देखिए, मैं बिल्कुल पास से दिखा रही हूँ, इसका एक एक लेयर के अंदर से तेल पक रहा है। ये देख रही हैं ना, ये देखिए ये उल्टे साइड का है, देखिए जो हमने पीछे लगाया था ना वो ऐसे मोड़ा ताकि खुले ना, अगर ये नहीं लगाएंगे तो ये खुल जाएगा। तो चलिए इसको निकाल लेते हैं, बिल्कुल क्रिस्पी हो चुका है, बिल्कुल फ्राई हो चुका है। ये निकालती हूँ, ये देखिए हाँ एकदम, तो पास से आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए हो गया है एकदम, ये बहुत क्रिस्पी और बहुत एक एक लेयर दिख रहा है। ये देखिए आप पास से देखिए। तो चलिए इसी तरह से सारे तल लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारी चाशनी जो है ठंडी हो गई थी, मैंने इसको थोड़ा सा गर्म कर लिया है। और यहाँ पे हमारी ये चोंगे भी तैयार हो चुके हैं, आप देख रही हैं बहुत मसाला से क्रिस्पी और बहुत जालीदार बने हुए। तो अब मैं इनको जो है इसमें डाल दूँगी। ये देखिए आपको देख रहे हैं ना, इसको इस तरह से अलट पलट कर चाशनी को लेना है। इसमें इलायची जो हमने डाले वो साइड में कर देंगे। ये देखिए अब इसको हम निकाल लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने सारे चोंगे निकाल लिए। आप बिल्कुल चाशनी इतनी ही पतली रखिएगा, नहीं तो आपका खाजा बन जाएगा। जो टाइट हो जाएगी चाशनी तो वो फिर खाजा बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए मैं काजू बादाम और पिस्ता वगैरह नारियल वगैरह डाल देती हूँ, जो आपको ड्राई फ्रूट पसंद है वो डालिए। तो यहाँ पर मैं पिस्ता और बादाम और किशमिश डाल रही हूँ, और अब इसमें डाल रही हूँ नारियल खोपरा, मतलब थोड़ा थोड़ा, आपको कम ज़्यादा जैसे भी पसंद है आप डाल सकती हैं। ज़्यादा ज़्यादा भी पड़ता है इसमें, कम से कम भी पड़ता है, आप देख सकती हैं। और आपको जो भी पसंद है, अगर आपको ये नहीं पसंद है तो रबड़ी बना लीजिए वो डाल दीजिए, और वैसे काजू बादाम पिस्ता वगैरह डाल दीजिए। और इस पर डाल रही हूँ मैं तिल, तिल मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर आपके पास तिल नहीं है तो वो डाल दीजिए, क्या बोलते हैं उसको, खसखस, वो भी पड़ता है, कोई कोई खाली खसखस डालता है। अगर बहुत यमी बहुत टेस्टी बनता है, एक बार आप ज़रूर बनाइएगा। बारिश का मौसम भी है माशाल्लाह से, मुहर्रम भी अपना है, वैसे गमी का है अपना ये महीना, हम लोग नहीं मनाते हैं, लेकिन क्या करें आप लोग के लिए डालना पड़ रहा है, इसलिए हम लोग मुहर्रम नहीं मनाते हैं, ये अपना महीना है ना, गमी का महीना है, गमी का नहीं है। तो हमने इसको सजा दिया है माशाल्लाह से, हम भी माशाल्लाह से ऐसा नहीं है सुन्नी हैं, 24 नहीं हैं, पर हम लोग नहीं मनाते हैं, ये अपना गमी का महीना है। और अपने यहाँ कुछ हो जाता है इंसान को तो गमी तो गम रहता है ना, तो मनाता है कोई खुशी नहीं ना, बस याददाश्त के लिए होता है महीना। चलिए यहाँ पे मेरी वीडियो क्लास होती है, मेरे वीडियो को लास्ट तक देखा करें, हमारी वीडियो को लास्ट तक बिल्कुल देखा करें, आप कुछ मिस ना किया करें, और शेयर कमेंट लाइक सब्सक्राइब कर दिया करें। अगर कुछ आप लोग को बुरा लगा है तो उसके लिए भी माफ़ी है। और चलिए यहाँ पे होती है मेरी वीडियो का, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, सी यू।